नमस्ते, आरती रेसी ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज हम लौकी का खीर बनाने जा रहे हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी ले लिया है। घी गर्म होने के बाद 1 कटोरी लौकी कद्दूकस किया हुआ लौकी को हम 2 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद एक मुट्ठी से कम चावल उसमें डालेंगे। उसको 1 मिनट तक भून अच्छे से भूनने के बाद उसमें हम 750 ml दूध डालेंगे। अच्छे से उसको मिलाएंगे। स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। मैंने 2 करछी चीनी डाला है, चुटकी भर नमक डाला है। उसको अच्छे से हम उबलने देंगे। इसमें इलायची पाउडर डाला है, कूट के हमने इलायची पाउडर डाला है। धीमी आंच में अब उसको आस्ते आस्ते पकाएंगे और करछी चलाते रहेंगे। 2 तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता डालने से इसमें खुशबू अच्छी आती है। 1 मुट्ठी काजू डालेंगे। काजू डालने के बाद उसको अच्छे से उबलने देंगे। हम 1 करछी अमूल पाउडर डालेंगे। खोया, जिसके पास खोया नहीं है उसके वो अमूल पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। गाढ़ा होने तक अब इसको हम पकाएंगे आस्ते आस्ते। हमारा खीर तैयार है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।